नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शाम 5 बजे निकली। राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लेकर रथ खींची। दोनों पारंपरिक वस्त्र में नजर आए और जय जगन्नाथ का जय घोष भी किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की विधिवत पूजा की। भगवान का आशीर्वाद लेने सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल सहित अन्य श्रद्धालु काफ़ी संख्या में उपस्थित थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी पूजा में शामिल हुए। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले 551 श्रद्धालुओं ने एक साथ पूजा की। रथ विशेष तौर पर तैयार किया गया था, जिसकी चौड़ाई 35 फीट और ऊंचाई 45 फीट है। रथ सजाने के लिए सारे वस्त्र पूरी से आए हैं। पूरी से भी 10 कारीगर आए हैं। हल्की हल्की बारिश के बाद भी मेले में खूब भीड़ नजर आई। लोगों में उत्साह दिखा। जय जगन्नाथ के जय घोष के साथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। पिछले 333 सालों से रथ यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ की रथ यात्रा का भी विशेष महत्व है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मोसीबाड़ी पहुँचे थे। 29 जून को भगवान वापस लौटेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।